साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 3 साइंस। ये आपका चैप्टर 1.3 लीव्स नाम से आपका तीसरा चैप्टर है। इसमें आप लोगों पत्तों के बारे में आपने पढ़ा, पत्ते के जो आपके अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप, जैसे लीफ ब्लेड हो गया, मिड रीड हो गया, मिड रीड के बाद साइड वेन स्टोमाटा, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा आपके पैटियोस और स्टॉल्क के बारे में पढ़ा। फिर काइंड्स ऑफ लीफ में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट साइज और काइंड्स ऑफ लीव्स के बारे में जाना। शेप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं प्लांट्स के, और कलर जो होते हैं वो आपके ग्रीन कलर मोस्टली प्लांट के होते हैं, ठीक है। और स्मेल और टेस्ट अलग अलग होता है प्लांट का, ये हम लोगों ने जाना। आज हम लोग जानेंगे लीव आर यूज़फुल, यानी यूज़फुलनेस ऑफ लीव्स, पत्तों की उपयोगिता। टास्क के रूप में आपको ये इसको शॉर्ट में लिखना होगा, ठीक है। चलिए, तो लीव्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस एज फूड एंड मेडिसिन। सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल जो होता है फूड और मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आ जाए फूड, इट कंटेन्स एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड कॉल्ड रफेज, यानी कि जो पत्ते होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो रफेज की होती है। भोजन पचाने में काफ़ी ये रफेज जो है मदद करता है। इट एडेड गुड फ्लेवर इन आवर फूड, पत्ते जो होते हैं वह अच्छा फ्लेवर जो है भोजन में देते हैं। लीव्स आर ईटन बाय हर्बीवोरस एनिमल, और जो आपके हर्बीवोरस एनिमल है उनका ये भोजन होता है। लीव्स ऑफ स्पाइनेज कैबेज आर यूज एज रफेज, जो आपके स्पेशली मिंट है, सॉरी जो पत्ते होते हैं पालक के, कैबेज के, ये सब रफेज होते हैं। और मिंट, कोरिएंडर, लेमन ग्रास एंड करी लीव्स आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल फूड आइटम्स, जो कुछ पत्ते होते हैं जैसे मिंट के पत्ते हुए, कोरिएंडर के हो गए, लेमन ग्रास हो गए, या करी, करी पत्ता आपने सुना होगा, है ना, तो ये जो है स्पेशल फूड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आते हैं मेडिसिन, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज एज मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे पत्ते होते हैं जिनका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में होता है, दवाओं के इस्तेमाल में होता है, ठीक है। नीम, तुलसी, मिंट, ड्रम स्टिक्स आर सम एग्जांपल ऑफ लीव दैट हैव मेडिकल वैल्यू, ये सब जो है मेडिकल वैल्यू वाले प्लांट होते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, डाइज एंड कलर्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीव ऑफ सम प्लांट लाइक हिना, जैसे मेहंदी होता है, मेहंदी की तरह ही आपके कलर वाले भी प्लांट होते हैं, मैंने उनको पीस करके कलर तैयार किया जाता है। बॉल एंड प्लेट्स आर मेड फ्रॉम द ढाक प्लांट लीव विच इज यूज इन विलेज पार्टी भोज, भोज में बहुत पहले और अब इसकी प्रचलन हटते जा रही है। जो कटोरे और थालियां होती थी वह ढाक के पत्तों की होती थी, है ना, और वह भोज होता था गांव का। द लीव्स लार्ज लीव ऑफ सब प्लांट लाइक कोकोनट, प्लाम, ईटीसी आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग हाउसेस, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उन सब का इस्तेमाल जो है आपके घर को छाने के लिए, घर की छत तैयार करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ हाउस इज कॉल्ड कच्चा हाउस और हट, झोपड़ी, तो इस तरह के घर को हम लोग कच्चा हाउस या झोपड़ी कहते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट आर यूज फॉर मेकिंग पेपर, कुछ प्लांट के पत्ते जो होते हैं उनका इस्तेमाल पेपर तैयार करने में होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे प्लांट सीड्स देयर लीव्स, कुछ प्लांट होते हैं जो अपने पेड़ जो है पत्ते जो है वो गिरा देते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने आज जाना लीव्स के यूज़, है ना, तो आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि पत्तों का इस्तेमाल फूड में, मेडिसिन में, और डाई एंड कलर में, फिर आपके बॉल एंड प्लेट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरह सजा करके फेयर कॉपी में लिख लेना है।
यही आपका आज का वीडियो है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।